हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल ट्रेडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि जो शून्य का न्यू ऐप लॉन्च हुआ है उसमें ऑप्शंस बैंक निफ्टी निफ्टी के कैसे आप बाय सेल कर सकते हो, ये हम देखेंगे डिटेल्स में। पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, हिट द बेल आइकॉन। तो आपको सबसे पहले ये ऐप अपडेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने ये ऐप क्या है, क्या क्या अपडेट्स आया है, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो ऐप ओपन करने के बाद ये वॉच लिस्ट में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो चाहिए, जो ऑप्शंस आपको बाय करना है, सेल करना है, वो यहाँ से सर्च करके आपको ऐड करके लेना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को सपोज 43,900 का कॉल पुट जो भी खरीदना है, यहाँ से सर्च कीजिए। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये यहाँ पे दिखता है। W3 मतलब अभी जो करंट एक्सपायरी है तीसरी, ये दिखाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये ऐसे करके आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको बाय करना है। तो बाय करने के लिए यहाँ पे सीधा टैप कीजिए। जैसे ये टैप करोगे, यहाँ पे नीचे देखिए बाय और सेल का बटन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सपोज बाय किया, यहाँ पे देखिए ये बाय का विंडो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे बाय में क्या होता है कि एक होता है लॉन्ग टर्म और इंट्राडे। यहाँ पे देखिए नॉर्मल मतलब लॉन्ग टर्म आप 3-4 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, और ये MIS मतलब आप इंट्राडे के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल मैं रखता हूँ। और दूसरा है कि ऑर्डर टाइप रहता है कि अभी आपको लिमिट करना है या मार्केट करना है। मार्केट करोगे तो जो रेट चल रहा है वो उसके ऊपर मिल जाएगा, और लिमिट रखा तो जो रेट पे आपको चाहिए वो लिमिट डाल के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिट डालूंगा। अभी 47 चल रहा है, मेरे को 44 पे बाय करना है। तो यहाँ पे 44 एंटर करके मैंने बाय किया। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बाय किया, ये ऑटोमेटिकली पेंडिंग के टैब में आ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स दिखते हैं, ये पेंडिंग दिखते हैं, और ये नीचे ऑर्डर्स कहाँ पे, सबसे लास्ट में ये ऑर्डर का टैब है। तो यहाँ पे आके आप ऑर्डर्स में देख सकते हो अभी जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है। सपोज आपको इसको मॉडिफाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन है, मॉडिफाई पे क्लिक किया, अभी मेरे को 44 नहीं 45 पे बाय करना है। तो ये ऐसे आप अपडेट कर सकते हो। अभी सपोज आपको कैंसिल करना है, यहाँ से आप ये देखिए मॉडिफाई कैंसिल ऑप्शन है, कैंसिल करोगे यहाँ पे यस बोलोगे ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। ये देखिए ये कैंसिल हो गई। अब जाके कंप्लीट्स में देखिए ये कैंसिल ऑर्डर दिख रही है। तो सपोज आपको फिर से बाय करनी है, आप फिर से वॉच लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट यहीं पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे रिपीट ऑप्शन है। रिपीट मतलब फिर से आपको वो बाय करना है, रिपीट पे क्लिक कीजिए, वही विंडो आ जाएगी। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मार्केट पे ऊपर क्लिक करके इसको मैं बाय करूँगा। ठीक है, ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका इमीडिएटली। तो अब मैं जाता हूँ पोर्टफोलियो में, यहाँ पे देखिए आप बाकी कुछ मत देखिए, बाकी मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग किया है। ये जो अभी सेकंड नंबर दिख रहा है 43,900 का कॉल, ये मैंने अभी बाय किया है एक लॉट में। ठीक है, यहाँ पे 35 का लॉस हो रहा है अभी, जो भी होगा। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है न्यू ऐप में, जो मैंने अभी बाय किया है वो सबसे ऊपर नहीं दिखता है, जो एग्जिट किया हुआ है वो नीचे दिखना चाहिए, वो ग्रे आउट होना चाहिए। तो हमें वो इमीडिएटली पता चलता है कि वो अभी एक्टिव पोजीशन है मेरी, और नीचे वाली सब मैंने बुक किया है। तो ये अपडेट होना चाहिए, मस्ट है। सपोज आपने 4-5 लॉट लिया है, 4-5 पोजीशन है, तो आपको इसे ढूंढना पड़ता है ये मेरी कौन सी है, यहाँ पे क्वांटिटी मेरी चेक करने पड़ता है। बट यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, जो एक्टिव पोजीशन है ऊपर दिखेगी, क्लोज वाली नीचे दिखेंगे। थोड़ा सा कलर भी चेंज कर सकते हैं ग्रे आउट करके। ठीक है, तो ये ऊपर होगा तो अच्छा रहेगा। अभी ये आपने पोजीशन लिया है, सपोज आपको इसको स्टॉप लॉस लगाना है, तो कैसे लगा सकते हो, मैंने कितने पे लिया है, 49 पे लिया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, देखिए। तो क्लोज के यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी, और आपको SL लगाना है, तो ये यहाँ पे SL पे क्लिक कीजिए। तो जैसे SL पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपको प्राइस डालनी है, जैसे कि 49 पे लिया है, तो मैं 40 का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 40 डालिए, और यहाँ पे भी 40 डालिए, और यहाँ पे सेल बोलिए। तो यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग में आ गई SL ऑर्डर। जैसे ही 40 आएगा ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और ऑर्डर बुक हो जाएगी। ऐसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ, सेम चीज़ है। यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। अभी सपोज आपको डायरेक्टली इसको टारगेट लगाना है, तो यहाँ पे जाइए, क्लोज कीजिए। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ SL यहाँ पे लिमिट लगाइए, बस इसके ऊपर का प्राइस डालिए, जो कि 49 पे लिया था, मेरे को 55 पे बुक करना है। यहाँ पे सेल कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो ये
जब 55 आ जाएगा ये मेरा बुक हो जाएगा। तो ऐसे हम स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं, दोनों एट ए टाइम नहीं लगा सकते एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये ऐसे करके आप इसको बाय सेल स्टॉप लॉस मॉडिफाई ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, मैं अभी इसको ऐसे रखता हूँ। दूसरा एक तरीका है, जैसे कि हमने क्या किया कि जो ऑप्शन चाहिए वो यहाँ पे गया सर्च किया और बाद में वॉच लिस्ट में ऐड करके बाय किया, बट मेरे को सपोज ऑप्शन लिस्ट से सीधा बाय करना है तो कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस आपने बाय किया है इसके ऊपर ऐड किया है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए इन्फो करके टैब है, तो इन्फो पे क्लिक करने के बाद ये ओवरव्यू आता है, उसके बाजू में डेप्थ फ्यूचर और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चेन है। तो जैसे ही ऑप्शन चेन पे आओगे यहाँ पे नीचे करंट एक्सपायरी 15 दिसंबर सिलेक्टेड है, नेक्स्ट एक्सपायरी करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 15 पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए राइट साइड पे पुट है, लेफ्ट साइड पे कॉल है। तो ऑप्शन चेन से कैसे बाय सेल करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पे वो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे इजी रहता है कि ऑप्शन चेन से बाय सेल करना, यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिख रहा है, तो जो चाहिए आउट ऑफ द मनी इन द मनी ये यहाँ से डायरेक्टली दिखता है। और यहाँ से सीधा सपोज मेरे को अभी ये जो 83 चल रहा है इसको बाय करना है, सपोज 43,800 का बाय करना है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए ये बाय का विंडो आता है। बैक चला गया फिर से वही विंडो आ गया, सपोज मेरे को कॉल बाय करना है तो यहाँ पे क्लिक किया ये विंडो आ गया। तो ऐसे ऑप्शन चेन से बहुत इजी रहता है, बार बार सर्च करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो यहाँ से क्लिक किया मैंने, यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, सेम चीज़ मार्केट पे रखता हूँ मैं और इसको बाय करता हूँ। तो ये मेरा बाय हो चुका है, मैं जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये मेरी क्वांटिटी दिख रही है, ये अभी जो मैंने बाय किया और ये वाला, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन चेन से भी बाय कर सकते, मैं तो हमेशा ऑप्शन चेन ही यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पे एक क्लिक पे ऑप्शन चेन ओपन होना चाहिए, मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा इन्फो में डेप्थ फ्यूचर ऑप्शंस, चार पांच क्लिक्स करने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा इजी होना चाहिए। ऐसे आप बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक्स जिसके भी ऑप्शंस आप बाय सेल करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आपको शून्य में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्रीली अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें ब्रोकरेज जीरो है, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, अपडेट्स भी आ रहे हैं, तो अच्छा ब्रोकर है, आप यूज़ करके देखिए। तो आप कुछ डाउट्स रहेंगे कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।